देख रहे हैं स्ट्रीट बस न्यूज और मैं हूं प्रतिमा सा। मिर्जापुर जिले के जंगलों में आए दिन लग रही भीषण आग से जंगल सहित वन्य जीवों के अस्तित्व पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर जंगलों का अस्तित्व भी समाप्त होता जा रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि जंगल में लगने वाली आग की घटनाओं के बाद वन विभाग सहित प्रशासन द्वारा जंगलों में आग रोके जाने की कवायद की जाती है और बहस भी होती है, लेकिन समय बीतने के बाद मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। आए दिन जंगलों में लगने वाली आग जहां विकराल रूप लेती जा रही है, वहीं दूसरी ओर जंगल में लगी आग बस्ती के तरफ भी बढ़ने लगती है, जिससे स्थिति सदैव भयभीत बने रहने की आशंका उत्पन्न हो जाती है। शनिवार को जिले के प्राकृतिक संपदाओं से पूर्ण अहरोरा थाना क्षेत्र के लतीफपुर फुलबरिया हिनौता ग्राम सभा के जंगल में भीषण आग लग गई, जो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। बस्ती के तरफ रात में आग का दृश्य काफी दूर अहरोरा बांध से देखा जा रहा है। बिल्लोकुंड लतीफपुर ग्राम सभा के बगल में इकाबा जंगल वाटर पार्क के पीछे वाली पहाड़ी पर आग लग जाने से आसपास गांव की ग्रामीण काफी चिंतित है, क्योंकि आग का रुख बस्ती की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। वहीं जंगल में आग की उठती लपटों को आने जाने वाले राहगीर अपने गाड़ियों को रोक कर देख रहे हैं एवं सेल्फी ले रहे हैं। जंगल में लगी आग से जंगली पक्षियों के घोंसले व उनके बच्चे व अन्य जीव जंतु प्रभावित होने का अनुमान है। इससे वन प्रेमी समेत अन्य लोग काफी दुखी हैं। ग्रामीणों ने बताया कि आग लगने का कारण चरवाहे भी हो सकते हैं। वह अपनी पशुओं को चराने के लिए अक्सर जंगलों में इस तरह की आग लगा देते हैं, या तो उनके द्वारा बीड़ी पीकर फेंकने की वजह से आग लगने का कारण हो सकता है। दूसरी ओर लोग वन विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े करते हैं। लोगों का कहना है कि हर वर्ष मिर्जापुर के जंगलों में आग लगने की घटनाएं होती है, लेकिन अभी तक इस पहाड़ी जंगली बुक भाग में आग लगने की घटनाओं को काबू करने के लिए कोई ठोस नीति नहीं बना पाई है। और ना ही मिर्जापुर के जंगली पहाड़ों क्षेत्रों में आग की घटनाओं को रोकने के लिए फायर ब्रिगेड की स्थापना की गई है। साबस विजय पाई गया। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्टेट बस न्यूज। धन्यवाद।